अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करने वाले हैं। ये फिफ्थ चैप्टर है हमारी बुक्स के अंदर। इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया। हमने जो डिस्कस किया वो बिजनेस फाइनेंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने रेशोज को और उसके इंट्रोडक्शन को कम्प्लीटली देख लिया, जो कि बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हम थ्रू आउट द इस बुक को कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो क्या होता है, चलिए आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसा जो है और इसकी कदर क्या है। वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, ये देखें, टाइम के साथ साथ जो है वो मनी की कदर में किस तरह से चेंजेस आती हैं, पैसा किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, आपने सुना होगा बहुत सारा लोगों से कि वक्त के साथ साथ जी पहले 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा थी, अब जो है वो 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वक्त के साथ साथ जो है वो चेंजेस आ चुकी हैं। चेंजेस क्यों आती हैं, आज हमने वही डिस्कस करना है। तो द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ मनी टुडे एंड टुमारो इज रेफर्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज और आने वाले टाइम में जो डिफरेंस क्रिएट होता है पैसे का, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। डिफरेंस क्यों होता है, उसकी कुछ रीजंस हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सपोज करें एक पर्सन आपको 1000 रुपीज जो है वो देता है, और एक जो है वो कहता है कि यार 1000 रुपीज मुझे दे दो, मुझसे 5 साल बाद ले देना, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप 1000 ये आज आपको मिल रहा है और ये कहता है कि 5 साल बाद मुझसे ले लेना, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि 5 साल बाद मैं उससे 1000 रुपया लूं, कि ये रेफर करोगे कि मैं 1 साल आज की डेट में उससे 1000 रुपया ले लूं। तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन पे जाओगे कि मैं आज ही 1000 रुपया ले लूं। क्यों? उसकी बहुत सारी रीजंस है। द नंबर वन इज रिस्क। रिस्क फैक्टर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के अबाउट आप अनसर्टेन, आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम पीरियड पे क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम होगी, ये बंदा जो है वो जिंदा भी रहेगा या नहीं, डेथ हो जाएगी इसकी, कौन देगा पैसे। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से हम ये प्रेफर करते हैं कि आज ही पैसे को जो है वो हम रिसीव कर लें। दूसरी रीजन क्या होती है, इन्फ्लेशन। ड्यू टू द टाइम पीरियड, टाइम के साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, उस पैसे की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो आपको ये डर होता है कि आपके आने वाले टाइम में ये जो 1000 रुपया, ये 700 रुपए इसकी वैल्यू रह जाएगी। होगा तो 1000 ही, लेकिन उसकी जो इनर वैल्यू है इन्फ्लेशन की वजह से वो 700 रुपए रह जाएगी, ठीक है। तो आप इस वजह से भी ये रीजन होती है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज आपके पास पैसा है, आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको इससे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको ये मिलेगा ये 5 साल के बाद, तो आप इस 1000 से क्या अर्निंग करोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू भी कम हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये एक रीजन होती है थर्ड नंबर पे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर है पर्सनल कंजप्शन प्रेफरेंस। आपको आज पैसा चाहिए, कोई चीज खरीदनी है, आपको 5 साल बाद वो चीज की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आप प्रेफर करोगे आपके पास पैसा हो। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को चेक करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आने वाले टाइम पीरियड में कम या ज्यादा होती है, और हम किसको प्रेफर ज्यादा करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास है टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कौन सी टेक्निक्स हैं, दो तरह की टेक्निक यूज की जाती हैं। इन दो तरह की टेक्निक्स को हम डिफरेंट वेज में यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक हमारे पास है कंपाउंडिंग, दूसरी है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग को हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग, फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग, ठीक है। अब ये कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग ही पूरे चैप्टर में चलेगी, इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, जिसमें हमारे पास एनविटी, सिंगल अमाउंट, मिक्स स्ट्रीम, प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू को हम डिफरेंट तरह से सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, वो है वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट के इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कि इंटरेस्ट हमें किस तरह से मिलेगा, इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है। इंटरेस्ट होता है कि आपको ये जो गैप है यहां से लेके यहां तक, एक बंदा कहता है कि 1000 दे दो और 5 साल बाद ले लेना, वो कहता है भाई मैं 5 साल बाद आपसे 1000 क्यों लूं। उसकी बेस पे, या अगर आपके पास 1000 पड़ा है या 10000 है, 1 लाख है, आप बैंक में इसको सबमिट करवाते हो, बैंक आपको कुछ मार्जिन देता है इन्फ्लेशन की वजह से, रिस्क की वजह से, तो वो उस पैसे को आप 5% मिलता है, 10% मिलता है, इसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है, अच्छा इसमें दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो कि आपको 1 साल के बाद मिल जाएगा 8%, 10%, 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको एक अमाउंट होती है आपकी 1000, ये है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो आप जमा करवा रहे हो, आपको इस पे 8% इंटरेस्ट रेट मिला, वो बन गया
सपोज करें 80 रुपीज बन गए, ठीक है। आपने क्या किया, 1000 में 80 रुपीज जमा कर दिए, तो ये आ गया 1080 रुपीज। अब ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बन चुकी है, ठीक है। अब इस पे जब अगले साल के लिए अगर आप इसको जमा कराओगे या पैसे नहीं निकलवाते, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इस अमाउंट पे मिलेगा 1080 पे, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं कि पिछले जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट जमा हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को मिला के उस पे आपको मिलता है। तो इसके मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के आगे जाके। अभी हम ये देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट दैट इज अर्नड ऑन अ गिवन डिपॉजिट एंड हैज बिकम द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द एंड ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कि फ्यूचर में जाके जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो फ्यूचर में जाके आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ एडअप हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कुछ कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको बताए हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में होता क्या है, कि जैसे जैसे अब टाइम पीरियड गुजरता है पैसे की वैल्यू कम या ज्यादा होती है, तो उसको हम चेक करने के लिए बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन थी, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब हम बात करने लगे हैं मेजर जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसके अंदर होता है टाइम लाइन, दिस इज कॉल्ड द टाइम लाइन। ये जो मैंने यहां पर ड्रॉ की है इसको आप बोलते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है कि इस पे ये टाइम इंटरवल्स लिखे हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0 से 1 एक इंटरवल है, 1 से 2 एक इंटरवल, फिर ये इस तरह से, और ये कंप्लीट इंटरवल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक टाइम पीरियड बनाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो बनता है, जैसे 9 ईयर्स है, ये इंटरवल्स मिला के आपको बना देते हैं, इसको आप बोलते हैं टाइम लाइन। अब टाइम लाइन में ये नंबर ऑफ ईयर्स हमने स्पेसिफिक किए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। अब ये 0 है, इसको बड़े अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये है बेस ईयर, जिसको आप बोलते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट ईयर है, आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये यहां से लेके यहां तक जाएगा तो 1 साल का एंड हो जाएगा। एंड ऑफ द ईयर आपको कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे कि 2000 रुपीज, 2000 रुपए आपको कैश फ्लो मिला, ठीक है, पैसे मिले आपको। फिर ये एंड 1 से 2 ये मिला तो आपको 3000 यहां पे आके मिले। फिर ये जब दूसरा साल एंड हुआ तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि एंड ऑफ द सेकेंड ईयर या फिर बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है, सेम बात है, तो यहां पे आपको कुछ 1000 मिला। इस तरह से टाइम इंटरवल में आपको पैसे मिलते रहते हैं और एट द एंड आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो जमा होके मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं कि हमारी ये फ्यूचर वैल्यू है। एट द एंड ऑफ ईयर हमें इतने पैसे मिले, जैसे कि आपने 10,000 रुपीज आज सबमिट करवाए, उस पर आपको कैश फ्लोज मिले, इंटरेस्ट मिलता था आपको उस पर 8%, फिर आपको इंटरवल में वो पैसे मिलते रहे, कैश फ्लोज मिलते रहे, एट द एंड आपके पास वो वैल्यू क्या बन गई जाके, ये बन गई आपके पास 30,000, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग, कि हमने कंपाउंडिंग की है कि आज इतने पैसे जमा कराए इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे, तो 9 साल के बाद वो 30,000 रुपए बन गया। यही सेम होता कि ये प्रेजेंट वैल्यू होती तो आपके पास यहां से अगर हम देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मीन्स के कम होना, डिस्काउंट करना। आपने किसी से पैसे लेने थे, उसने आपको इन फ्यूचर उसने कहा कि भी मैं आपको जो है आज मुझे 4 लाख रुपया दो, मैं आपको आज से आने वाले 10 साल में उसको 8 लाख रुपया दूंगा, तो आपको कुछ जरूरत पड़ गई, 5 साल के बाद आपने पैसा उससे ले लिया, तो इसका मतलब आपको 8 लाख तो पूरा नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे 6 लाख। 6 लाख क्या हुआ, उसने डिस्काउंट करके आपको अमाउंट दे दी। तो डिस्काउंटिंग जब भी होती है वो कम आती है, उसकी अमाउंट कम होती है एज कंपेयर टू कंपाउंडिंग। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, ये बेसिकली टाइमलाइन है, इस पे इंटरवल्स हैं और इसको हम एट द एंड जो है वो आपके पास फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू इस टाइमलाइन पे आती है। मैं आपको जो बेसिकली आज करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चंस करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के, जो कि हमने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग को डिस्कस किया है। उससे पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि बेसिक पैटर्न्स ऑफ कैश फ्लो, कुछ पैटर्न्स होते हैं कैश फ्लो के, ठीक है। एक होता है कैश फ्लो, क्या होता है कि जो आपको हर साल के एंड पे या स्टार्ट ऑफ द ईयर आपको कुछ पैसे मिलेंगे, जैसे कि आज आपने 10,000 जमा करवाए थे, आपको एक दफा 2,000 मिले, फिर अगले साल 3,000, फिर 1,000, इसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लोज, या कैश फ्लोज बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये एक होता है सिंगल अमाउंट, एक होता है एनुइटी और एक होता है मिक्स स्ट्रीम। 3 पैटर्न्स हैं, ठीक है। सिंगल अमाउंट का मतलब ये है कि आपको लमसम अमाउंट मिलेगी, आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक लमसम अमाउंट मिलेगी, वो आइदर फ्यूचर की हो या वो प्रेजेंट अमाउंट हो, आपको वो मिलेगी। एक होता है एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है कि आपको एक इक्वल पीरियोडिक स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है। एन्युटी को क्या कहते हैं, इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो स्ट्रीम। मीन्स टू से दैट कि आपको 10 साल तक, 10 ईयर्स तक आपको हर साल 2,000 रुपया मिलेगा,
इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। इसको आप एन्युटी बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, नंबर वन इज ऑर्डिनरी एंड द सेकंड वन इज अ एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ ईयर आपको हर साल के आखिर पे पैसा मिलेगा, जैसे कि ये यहां से यहां पे साल खत्म हुआ तो यहां पे आपको आके पैसा मिला, ठीक है। और एन्युटी ड्यू का क्या मतलब है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहां पे आपका साल शुरू हुआ तो यहीं पे आपको आपका इंटरेस्ट के जितने भी पैसे हैं कैश फ्लो उस साल का वो आपको मिल जाएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, एन्युटी ड्यू। तो ये दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं, बेसिकली ये सिंगल अमाउंट एन्युटी और मिक्स स्ट्रीम, इन तीनों से हमने फाइंड आउट करना है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन ये मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा मिक्स स्ट्रीम। मिक्स स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल पीरियोडिक स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, जिसमें हर साल आपको कैश फ्लो डिफरेंट मिलता है, जैसे कि एक साल 2000, फिर 3000, फिर 1000, फिर 4000, ठीक है, अनइक्वल है, इसमें इक्वल है, इसमें अनइक्वल है। तो ये बेसिकली है, इसके हम प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो होप सो कि आपको ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आपको, ये आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम ये सॉल्व करेंगे, सिंगल अमाउंट के साथ हम प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट में फिर हम एन्युटी और मिक्स स्ट्रीम को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे सिंगल अमाउंट के साथ। मैंने तीन पैटर्न आपको बताए हैं, सिंगल अमाउंट, एन्युटी और मिक्स स्ट्रीम। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल अमाउंट के साथ। नेक्स्ट में हम देखेंगे एन्युटी को। तो सबसे पहले सिंगल अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू होती है, ऑब्वियसली बात है, इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं और इसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू क्या, हमारे पास आज कुछ डॉलर्स ऑफ अमाउंट है, उसको हम आज इन्वेस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक रेट पे, एक वो जो इन्फ्लेशन रेट कह सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, उस पर आज हम सबमिट करवाते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ आने वाले स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद 6 ईयर्स 10 ईयर्स उसकी वर्थ क्या होगी। उस 10,000 डॉलर अगर हम आज डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उस 10,000 डॉलर की आने वाले टाइम में 10 साल के बाद उस 10,000 डॉलर की वैल्यू क्या होगी, वो कितने के बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वो 10,000 से ज्यादा के ही बनेंगे, ठीक है, कंपाउंडिंग के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं, द वैल्यू ऑफ गिवन फ्यूचर डेट ऑफ एन अमाउंट डिपॉजिट टूडे एंड अर्निंग इंटरेस्ट ऑन अ स्पेसिफाइड रेट, एक स्पेसिफाइड रेट पे आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसकी क्या वैल्यू होगी अगर आज आप डिपॉजिट करवाते हैं। इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला जो कि यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ये लिखा है 1+r^n। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको आप CF भी कहते हैं, इसको आप कैश फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है, PMT भी कह सकते हैं, कैश फ्लो भी कह सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम है, आप प्रेजेंट वैल्यू भी इसको कह सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपके पास फॉर्मूला है, तो मैंने कुछ अमाउंट्स भी लिखी है, जैसे कि अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू हो 1,100, रेट ऑफ इंटरेस्ट R के नाम से मैंने डोनेट किया है, आप इसको I के नाम से भी डोनेट कर सकते हैं, KD के नाम से भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है 8%। और N कहता है नंबर ऑफ पीरियड्स को, वो कहें 2, इसको आप T से भी डिनोट, टाइम पीरियड T से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, N से भी नंबर ऑफ पीरियड डिनोट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला और ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ आप क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट वाले, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में लिखा है, तो जो कुछ क्वेश्चन आप कुछ तरह के आएंगे सिंपल, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो किस तरह से करेंगे, आप यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कितनी है 100, ये लिख दी 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई है हमारे पास 1 फॉर्मूले का प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 8% का मतलब है कि इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे, ठीक है, परसेंटेज को डिवाइड करके ही हम लिखते हैं, जो कि 0.08 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 2, जो कि ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100, अब 1+0.08 ये कितने हो जाएगा 1.08, पावर है 2 की। अब आप इसको फैक्टर टेबल से भी देख सकते हैं, फैक्टर टेबल आपको गिवन होता है, आपने क्या करना है कि जो आपके पास 8% इंटरेस्ट रेट है, 8 को आपने 2 वाले कॉलम में, 2 मींस नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, 2 वाली रो में आपने इसको देखना है, तो आपको वो वाली एग्जैक्ट अमाउंट नजर आ जाएगी जो कि होगी, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपके पास है 1.08, इसको आपके पास एक पावर का बटन होता है, ठीक है, आपको आपके कैलकुलेटर में मिल जाएगा, उसको आप लगाएंगे, साथ लिखेंगे जितने नंबर ऑफ इयर्स होंगे 2, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी जो कि है 1. यहां पे मैं मेंशन करता हूं 100, और वो आ जाएगी 1.1664, ठीक है। 4 डिजिट तक लेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेंगे एक्यूरेसी ज्यादा आएगी,
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 100 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1.1664, ये आपके पास आ रहा है 116.64। ये आपके पास क्या आ गई है, ये आ गई है फ्यूचर वैल्यू आपके पास, ठीक है, ये 100 की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 100 रुपए को 8% इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए डिपॉजिट करवाएं तो आप 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 116.64 रुपए उसकी वैल्यू हो चुकी होगी, ठीक है। ये तो एक मेथड है। अब मैंने आपको एक कंपाउंडिंग भी बताया था, ठीक है, तो मैं आपको कंपाउंडिंग बताता हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये भी एक मेथड ये है कंपाउंडिंग फाइंड करने का, एक दूसरा है वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करता हूँ। जैसे कि भी आपके पास फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट करना था इसी का ही, 100 का, ठीक है, 1+0.08 नंबर ऑफ ईयर लेंगे हम, 1 साल का। सबसे पहले हम 2 साल का फाइंड आउट करना ना, हम 1 साल का लेंगे, अभी 1 साल का लेंगे तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 1.08 ही आ जाएगा। 1 की पावर 1 है तो ये इतना ही आ जाएगा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 108। फ्यूचर वैल्यू आपके पास आ जाएगी पहले साल की 108 रुपए। अब हमने ये कहा, अब ये बन जाएगी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जब सेकंड ईयर की फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। अब आप ये देखें फ्यूचर वैल्यू यहां पे मैंने लिख दिया 2, ठीक है, तो अब यहां पे फाइंड आउट करें सिंपल, वही आपके पास 100 की जगह पे 108 अब प्रिंसिपल अमाउंट आएगी, इस पे आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 8%, तो क्या आएगा 1.0.08 पावर 1 आ जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको अगर 108 को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर सेम आएगा 116.64। ये आपके पास क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू आ गई कंपाउंडिंग के साथ, ठीक है, तो पहले साल की ये, दूसरे की ये, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो आंसर आया था फ्यूचर वैल्यू आई थी, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गई थी फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो हमने वो यहाँ पे लिखी है और नंबर ऑफ ईयर 1 के। आप यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 1 by 1 by 1 कर सकते हैं, या फिर एक ही दफा पे नंबर ऑफ ईयर जितने हैं, अगर 5 दिए हैं 10 दिए हैं 3 दिए 4 दिए तो वो लिखेंगे तो उसके बाद भी आपका आंसर सेम आएगा। तो ये 2 मेथड हैं, कंपाउंडिंग हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और सिंपल भी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था फ्यूचर वैल्यू। अब इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, वो आपने देखने हैं, ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं भी आपको करवा दूंगा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू की, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि ये लिखा है करंट डॉलर वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अमाउंट। जो आपको फ्यूचर में अमाउंट मिलनी है, जैसे कि आपको 10 लाख रुपए मिलना है, उसकी आज वैल्यू कितनी है, तो डेफिनेटली वो कम होगी, ठीक है, तो उसको हम आप चेक करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास ये फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, पावर उसकी। अब इसको CF भी कह सकते हैं, कैश फ्लो भी कह सकते हैं, वही सेम बातें रिपीट होंगी। हमारे पास वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है 300 की, r भी गिवन है 6 का, n गिवन है 1, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इस तरह से सॉल्व होगा, वही प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाय 1+r है 0.06 पावर 1, ठीक है, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 300 डिवाइडेड बाय 1.0.06 आ जाएगी। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोई ऑलमोस्ट जो है वो 283 के राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा, 283.8, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 300 की, 1 साल के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी, 283 रुपए, 283 रुपीज वैल्यू रह जाएगी। तो दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू जो कि हमने आप फाइंड आउट किया है। इसका बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे एक बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट सिंगल इन्वेस्टमेंट मेड टुडे अर्निंग 12% एनुअल इंटरेस्ट विल बी द वर्थ $6,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। वो कहता है कि कौन सी ऐसी अमाउंट आज इन्वेस्ट की जाए कि जिसको आपको 6 साल के बाद 6,000 रुपीज कि उसकी वर्थ बनती हो, कौन सी ऐसी अमाउंट आज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या फाइंड आउट करना, व्हाट सिंगल इन्वेस्टमेंट मेड टुडे, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट आज की जाए। मींस टू से दैट फाइंड आउट हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि प्रेजेंट फाइंड आउट करेंगे या फ्यूचर, तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। फार्मूला वही है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का, हम फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब आपके पास फ्यूचर वैल्यू कितनी गिवन है, 6000, तो 6000 आ गया डिवाइडेड बाय 1+r कितना है, 12% है, तो ये आ जाएगा 0.12, 100 पे डिवाइड करके आपने लिखना है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 6, तो ये आ गया आपके पास 6। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6000
डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1.12 की आप फैक्टर टेबल से भी ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, और आप डायरेक्ट भी इसको जो है वो कैलकुलेटर की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है आपने उसके साथ इसको सॉल्व कर लेना। 1.12 की पावर हम लेंगे 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 1.9738। मैंने कहा है पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपने कंसिडर करना है, सो दैट कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 6000 डिवाइडेड बाय 1.9738, तो ये हमारे पास आ गया, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आई है 3039 रुपीज 0.82, ठीक है। आप राउंड अबाउट भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 3039.82 रुपीज जो है 0.82 आपके पास आ चुके हैं, जो कि इस 6000 को 6 साल बाद इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 6 साल बाद जो है वो आज की वैल्यू 6000 की कितनी है, 3039 रुपए। तो ये तो इसका है बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर मैं इसको और क्लैरिफाई करूं, मैं आपको अगर ये बताऊं कि इसको हम अगर टाइमलाइन पे शो करना चाहें तो हम किस तरह से इसको टाइमलाइन पे शो करते हैं, हम इसको टाइमलाइन पे किस तरह से शो करेंगे, ये आपके पास एक टाइमलाइन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है नंबर ऑफ आपके 0 और 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन 6, ये 6 साल का आपके पास डाटा था, तो हमने एक टाइमलाइन ड्रॉ की है जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करें। अच्छा, अब आपने ये देखना, ये बेस ईयर है आपकी जहां आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जहां पे आपने उसकी इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक। तो हमने अब क्या फाइंड आउट किया है, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो ये देखें, यहां पे वैल्यू थी 6000, 6000 आपकी फ्यूचर वैल्यू थी। इस फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 6 साल में इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 3039। आपको 3039 रुपए चाहिए इन 6 सालों में आपको ये 6000 हासिल करने के लिए। तो ये हमने इसको टाइमलाइन पे बेसिकली ड्रॉ किया, नंबर ऑफ इयर्स को। इसी तरह जब हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो फ्यूचर वैल्यू को भी हम इसी तरह से टाइमलाइन पे विड्रॉ कर सकते हैं कि आप जो है वो आज अगर सपोज करें यहाँ पे 800 इन्वेस्ट करते हैं, ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, और ये 6 साल के बाद आपको कितने रुपए देती है, 1700, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम उसको टाइमलाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम उसको ड्रॉ करना चाहें। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया इसमें सिंगल अमाउंट। नेक्स्ट हम एनुइटी वाला डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद मिक्स्ड स्ट्रीम और फिर बहुत सारे जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, पहली दफा चैनल पर आए हैं, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना इसी तरह प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।